अब यहाँ पे देखो भाई, क्रेन से बढ़िया गणेश जी को उठाया गया है, ये देख सकते हो आप। जय नरेंद्र, जय श्री राम भैया। ये देखो सामने ही बोर्ड लगा है महादेव घाट, और ये देखो मैडम जी आए। कहाँ से आए हो मैडम? उरकुरा से आए हैं। उरकुरा से? उरकुरा से गणेश विसर्जन के लिए आए हैं, आप देख सकते हो मैडम लोगों को। देखो भाई, खारून नदी में यहाँ पे गणेश विसर्जन किया जा रहा है। छोटी छोटी जो मूर्तियाँ हैं उन सबको इस घाट पे लाया जा रहा है, आप देख सकते हो। ये तो जय जोहार, जय हिंद साथियों। ये जो लोग से छत्तीसगढ़ चैनल में आप सभी लोगों का फिर से एक बार मैं स्वागत करता हूँ अपने इस YouTube चैनल पे। और आज मैं आया हूँ महादेव घाट। महादेव घाट में गणेश विसर्जन के लिए घाट बनाया गया है, देख सकते हो काफ़ी भीड़ यहाँ पे लग चुका है। और ये पीछे देख लो, यही तरफ है हटकेश्वर नाथ जी का मंदिर है। तो चलिए आप लोगों को उधर का भी नज़ारा दिखा देता हूँ, फिर आप लोगों को मैं ले चलता हूँ गणेश विसर्जन घाट पे। तो बने रहिए। ये देखो भाई साहब भी आ चुके हैं। क्या नाम है भाई? उदयपाल। उदयपाल कहाँ से हो? भैया अमनाका। यहाँ से गणेश विसर्जन देखने आए हो? नहीं भैया। अच्छा चलो ठीक है भैया, अपन लोग अभी पहले हटकेश्वर नाथ महादेव जी का मंदिर देखते हैं, फिर आप लोगों को विसर्जन दिखाता हूँ। ये देखो भाई गणेश जी ले जा रहे हैं ऑटो वगैरह से, भैया ये देख सकते हो आप। ये देखो भैया, जय राम भैया। और ये देखो सामने ही बोर्ड लगा है महादेव घाट, ये देख सकते हो आप। अब इधर का नज़ारा देखते हैं भाई। और ये देखो भाई साहब सब रुमाल वाले भाई साहब आराम कर रहे हैं। जय हिंद भाई। और ये देखो मैडम जी आए। कहाँ से आए हो मैडम? उरकुरा से आए हैं। उरकुरा से? उरकुरा से गणेश विसर्जन के लिए आए हैं, आप देख सकते हो मैडम लोगों को आए। चलिए इधर का नज़ारा आप लोगों को दिखाता हूँ, क्या है ये महादेव घाट में आज का। भाई साहब नारियल और फूलों की दुकानें यहाँ पर लगी हुई है, ये आप देख सकते हो आसपास भी। और ये है श्री हटकेश्वर नाथ जी का मंदिर, और सामने ही देख सकते हो एक गणेश मूर्ति बैठाया गया है। यहाँ देखते हैं यहाँ का गणेश मूर्ति कैसा है। चलो भाई ये देखो भाई मस्त है, बहुत सारे मूर्तियाँ बैठाया गया है भाई यहाँ तो। ये देखते हैं अपन एंट्री एग्जिट। ओ भाई भाई भैया आपका? शैलेंद्र देवांगन लिखता हूँ। शैलेंद्र देवांगन जी, भैया जी आए हैं गणेश विसर्जन के लिए आए हो कि घूमने के लिए? नहीं, ऐसे घूमने आए। अच्छा आज घूमने के लिए आए हैं, माहौल काफी अच्छा है। चलिए आप लोगों को गणेश मूर्ति दिखा देता हूँ पहले। ये देखो भाई यहाँ पर देख सकते हो पूरा मूंग से बना हुआ, चना मूंग से निर्मित गणेश जी, आप ये देख सकते हो काफी अद्भुत तरीके से बनाया गया है भाई। पूरे खाने की दाल वगैरह चीजों से बनाया गया है, आप देख सकते हो। और ये देखो भाई पूरा ये भी ज्वार और बाजरा से निर्मित है भाई। ये देखो ये गणेश जी ज्वार एवं बाजरा से बनाया गया है, आप ये देख सकते हो। और ये वाला देखो भाई, ये पूरा धान से बनाया गया है श्री गणेश जी को, आप ये देख सकते हो। ये मस्त धान से बनाया है प्रॉपर, धान और मौली से भाई, ये भी अद्भुत। देखो यहाँ श्री गणेश जी को नहलाते हुए बढ़िया एकदम मस्त तरीके से बनाया गया है भाई, प्रॉपर व्यवस्थित। और यहाँ पे काफी ज्यादा शोर है क्योंकि रेडियो चल रहा है, आप देख सकते हो। तो हमने तो गणेश जी देख लिया, काफ़ी अनोखे तरीके से ये गणेश जी बैठाया गया है, मस्त चावल मूंगफली ये अलग अलग चीज़ों से यहाँ पर गणेश जी को बैठाया गया है, मस्त तरीके से बनाया गया है। अब चलिए आप लोगों को मैं विसर्जन घाट दिखाता हूँ, यहाँ से थोड़ा दूर में चलते हैं विसर्जन घाट के लिए। तो चलिए आप लोगों को मैं वहाँ मिलता हूँ, अभी बने रहिए ब्लॉक के। बोर्ड लगा हुआ है महादेव घाट, जस्ट सामने ही छोटी छोटी मूर्तियों को घाट पर विसर्जित किया जा रहा है। अब मैं आप लोगों को चलूँगा बड़े गणेश मूर्ति को कहाँ विसर्जित करते हो। तो यहाँ पर एक बोर्ड बना हुआ है, यहाँ पर लिखा है विसर्जन कुंड जाने का मार्ग, आप ये देख सकते हो। यहाँ से जो बड़े बड़े रायपुर के गणेश की मूर्तियाँ हैं वो सब यहाँ लाया जाता है महादेव घाट पर।
तो चलिए आप लोगों को मैं दिखाता हूँ क्या व्यवस्था है वहाँ गणेश विसर्जन को लेकर के। ब्लॉक पे बने रहिए। तो भाई लोग आ रहे हैं, कैसा है माहौल अंदर का? चलो एक नंबर है, बोल दिए हैं। अब दिखाता हूँ आप लोगों को मैं कैसा है। तो हम पहुँच चुके हैं विसर्जन घाट पे। आप देख सकते हो माहौल भाई, ये देख, काफ़ी सारी कारें गाड़ियाँ सब यहाँ पे आ चुकी है और क्रेन का भी इंतज़ाम किया हुआ है, आप देख सकते हो। और इधर खाने पीने की दुकानें भी लगी हुई है, आप लोग ये देख सकते हो। और यहाँ पे पुलिस साहब भी अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, आप लोग देख सकते हो जगह जगह पे। और वो देखो, दो दो तीन 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 क्रेनें यहाँ पे खड़ी हुई हैं बड़ी मूर्तियों को उचाने के लिए, विसर्जन के लिए। आप लोगों को पास से दिखाता हूँ कैसा है। छोटी छोटी मूर्तियों को भी इस साइड लाया गया है भाई, घाट पे भी वहाँ पे ठंडा कर रहे हैं और इधर भी ला रहे हैं। आप लोगों को यहाँ का व्यवस्था दिखाता हूँ कैसा है, ये देख सकते हो आप। ये देखो भाई, यहाँ पे तो जाम कर रहे हैं, स्टॉप लिख दिए हैं। और ये देखो पुलिस व्यवस्था, बढ़िया सिस्टम से पुलिस बल, ये देख रेख के लिए लगाया जाता है इन सबको, आप देख सकते हो। चलो भाई, इधर से ही अपन एंट्री करते हैं, इधर बनाते हैं। ये आप देख सकते हो नज़ारा, आसपास काफ़ी बढ़िया। और ये देख क्रेने, देखो आप, दो दो तीन 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 बड़ी बड़ी यहाँ पे क्रेने खड़ी हुई है, आप देख सकते हो। और यहाँ पे गणपति जी और व्यवस्था कर रहे हैं भाई लोग, ये आप देख सकते हो। ये देखो, ये देख, लाइन से बढ़िया टेबल लगाया गया है और यहीं पे गणेश मूर्ति लोग बैठा कर पूजा वगैरह कर रहे हैं, फिर वहाँ से गणेश जी का विसर्जन। भाई पटरी बनाया गया है, आप देख सकते हो यहाँ पे। ये देखो, ये देख मस्त छोटा सा गणपति जी। तो चलिए आप लोगों को एक छोटा सा गणपति जो है वो यहाँ पे क्रेन से उसी का विसर्जन होगा, तो आप लोगों को मैं दिखाता हूँ कैसा रहेगा। ये देखो भाई साहब क्रेन से, और ये देखो मैडम जी भी आई हुई है, हाय। अब यहाँ पे देखो भाई, क्रेन से बढ़िया गणेश जी को उठाया गया है, ये देख सकते हो आप। जय मैडम, जय श्री राम भैया। ये देखो स्कूल वाले बच्चे भी आए हुए हैं, कहाँ से हो? शिवम विद्यापीठ के। हाँ तो हो गया छुट्टी वगैरह, हाँ इस कारण से घूमने आए हैं यहाँ पे गणेश विसर्जन देखने के लिए। आप ये देख सकते हो, ये देखो भाई कहाँ की मूर्ति है ये पूछते हैं। ये देखो सदस्य लोग भी है, और ये देखो भाई मस्त बेहतरीन तरीके से। भैया जी से बात करते हैं अभी दो मिनट में। भैया जी कहाँ का मूर्ति है ये? सीएम हाउस का मूर्ति है, सीएम हाउस के अंदर बैठा था। अच्छा चलिए, भूपेश बघेल देवरतिया जी बैठाया गया था। हाँ हाँ ठीक हो, ठीक, हाँ ठीक है भैया। हाँ आपको QR बता देना चैनल का। हाँ ठीक है ना, ठीक है। हाँ गणपतिअप्पा मोरिया। एजे ब्लॉक से छत्तीसगढ़, एजे ब्लॉक से छत्तीसगढ़ ब्लॉक ब्लॉक। ये देख सकते हो अभी अभी गणपति जी का विसर्जन हुआ है यहाँ पे। ये मूर्ति जो है माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा वहाँ पे बैठाया गया था निवास, हाँ निवास स्थल पे, ये देख सकते हो। और ये सब आए हैं विसर्जन के लिए। भैया जी अपना नाम बता दीजिए, क्या नाम है? मोहित बाले। सुधांशु सेट्टी भैया जी भी सदस्य के तौर पे यहाँ पे आए हैं विसर्जन के लिए, ये आप देख सकते हो। अध्यक्ष भैया रवि, हाँ ये देख सकते हो, ये है अध्यक्ष भैया जी, सब विसर्जन में यहाँ पे आए हुए हैं। आप लोगों को ये वाला विसर्जन दिखाता हूँ। जय गणेश, जय गणेश देवा। ये देख सकते हो भाई हनुमान जी की प्रतिमा वाला, ये गणेश जी, ये आप देख सकते हो क्रेन से उठाया गया है।
ये देखो, जय श्री राम। जय जय श्री राम। राम राज की आए तो साहब मन दिल से मना दे। मोरिया। तो अभी हमारे साथ जुड़ रहे हैं नगर निगम के सुपरवाइजर भैया। सबसे पहले भैया जी अपना परिचय दे दीजिए। जय जोहार संगवारी हो। जय जोहार। मेरा नाम ओम प्रकाश सोनवानी हवे और मैं रायपुर नगर निगम में सुपरवाइजर हूँ। तो भैया जी यहाँ पे ये विसर्जन का जो कार्य है वो कितने समय से चल रहा है अभी? ये विसर्जन के जो व्यवस्था है नगर निगम द्वारा गणेश बैठक 5 दिन के बाद में, मतलब 5 दिन पहले से यहाँ जारी हवे। अच्छा, ये भैया जी बता रहे हैं 5 दिन पहले से यहाँ जो विसर्जन का कार्य है वो किया जा रहा है यहाँ पर प्रॉपर। और बड़ी बड़ी मूर्तियाँ भी आप देख रहे हो किस तरह से क्रेन के द्वारा विसर्जित हो रहा है। तो व्यवस्था बहुत बढ़िया तरीके से बनाया है भैया। कितने दिन में ये व्यवस्था तैयार हो जाता है ऐसा बनाने में? इला पहली कुंड के सफाई करवाते हैं। हाँ, जैसे 1 महीना पहले से चालू हो जाते हैं जो काम है सफाई के कुंड के। हाँ, उखर बाद तने लाइट व्यवस्था ये सब चीज़ लगाए जाते हैं। हाँ, क्रेन के व्यवस्था होते हैं सर। हाँ, और बड़ी मूर्तियाँ कितने टाइम आएगी? बड़ी मूर्तियाँ बीच बीच में आ रही हैं सर, जैसे वो देखो क्रेन के माध्यम से सफाई। हाँ, ये आप देख सकते हो क्रेन के माध्यम से सफाई भी हो रहा है। और बता रहे हैं भैया कि बीच बीच में ये सब क्रेनें जो खड़ी हुई है वहाँ पे गणेश मूर्ति आती ही रहती है, वहाँ पर गणेश मूर्तियाँ समय। तो रायपुर की सारी मूर्तियाँ यहीं महादेव घाट पे आती है कि और कहीं? जी यहीं। अच्छा, तो अभी महादेव घाट पर विसर्जन का कार्य आज 24 घंटे और रहेगा। ये देख सकते हो प्रॉपर तरीके से यहाँ विसर्जन हो रहा है रायपुर की पूरी पूरी बड़ी मूर्तियों का। अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलता हूँ आप लोगों को एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।